हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी ने जेएनवी के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट कर दिया होगा। पर बच्चों, यदि आपको जेएनवी में एडमिशन लेना है तो केवल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से काम नहीं चलेगा, अब आपको एग्जाम भी क्रैक करना है। और एग्जाम क्रैक कैसे होगा? एग्जाम तो तभी क्रैक होगा ना जब आप लोग मेहनत करेंगे। तो उसके लिए यह वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की यह हमारी पहली वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो आपका जेएनवी का एग्जाम होगा उसका क्या सिलेबस रहेगा और क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। और उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी अच्छी भी लगेगी। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न क्या है उसके बारे में समझिएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, जो आपका एग्जाम है ना वो तीन सेक्शंस में होगा, ठीक है। पहले सेक्शन के अंदर आपका आएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। पहले सेक्शन में क्या आएगा? मेंटल एबिलिटी टेस्ट का सेक्शन होगा, यानी मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसके अंदर कुल आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन जो है 1.25 मार्क्स का है, यानी टोटल मार्क्स कितने होंगे? 50 मार्क्स का होगा। ये कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का, ठीक है। फिर दूसरे पर आपका आता है अर्थमेटिक टेस्ट, अंकगणित परीक्षण, इसके अंदर आपके टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे और ये टोटल कुल मिलाकर जो सेक्शन है वो 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का। फिर तीसरा इसके अलावा आपका आएगा लैंग्वेज टेस्ट, और उस लैंग्वेज टेस्ट में भी आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो लैंग्वेज आपकी इंग्लिश, हिंदी, वो जो भी आपकी लैंग्वेज रहेगी, जो आपने चॉइस किए उसके अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। और इसके अंदर जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 25। कितने होंगे? 25। तो ये तीन सेक्शंस आएंगे प्यारे बच्चों, जिसमें कुल मिलाकर आपसे 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो 80 क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? 100 मार्क्स बनेंगे। और यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस बात को याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहला आपका सेक्शन है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, उसको करने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाएगा। कितने मिनट का समय दिया जाएगा प्यारे बच्चों? 60 मिनट का समय दिया जाएगा। साथ ही साथ उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं तो दूसरा जो आपका पार्ट है अर्थमेटिक टेस्ट, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम अलॉट होगा, यानी 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और फिर जो तीसरा पार्ट आपका जो लैंग्वेज टेस्ट है, उस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए भी 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो ये एग्जाम है ना बच्चों, ये कितना एग्जाम कितनी देर का है? 2 आवर्स का। कितने घंटे का? 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका ये, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, ये आपके तीन सेक्शन रहेंगे। मैं आप सभी के लिए आज की क्लास में जो सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं वो कौन से सब्जेक्ट का रहेगा? वो रहेगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? मेंटल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड। अब यहां पर मैं आपको यह भी जानकारी बताऊंगा बच्चों, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता क्या है, क्यों एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप जेएनवी स्कूल के में एडमिशन लेने के लिए आप क्या है एग्जाम देंगे, तो उस एग्जाम के अंदर जो सबसे पहला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा? मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और यह मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता क्या है बच्चों? मेंटल एबिलिटी क्या होती है? तो सबसे पहले मेंटल एबिलिटी की डेफिनेशन को समझिएगा बच्चों। इट इज द एबिलिटी ऑफ द माइंड टू थिंक इन अ लॉजिकल वे अबाउट समथिंग टू मेक अ डिसीजन। यानी यह आपके दिमाग की वो क्षमता है जिससे आप किसी भी चीज के बारे में बड़ी आसानी से सोचकर कोई निष्कर्ष निकाल पाते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, कई बार क्या होता है, आप क्लासरूम के अंदर होते हैं तो क्लासरूम के अंदर क्या है, आपके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी दिक्कत कभी भी आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम से आप क्या है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करके ही तो बाहर निकालते हो। तो वही आपकी क्या होती है? मेंटल एबिलिटी होती है। यानी इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट के माध्यम से एग्जामिनर जो है ना कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, उन चीजों को एनालाइज करना चाहता है। और विश्वास कीजिएगा, वो बड़े ऐसे कॉमन टाइप के क्वेश्चन देता है जो आप ना अपनी डेली लाइफ के अंदर क्या है देखते रहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यदि मैं बात करता हूं सिलेबस पर मैं आऊं, उससे पहले मैं आपसे एक नॉर्मली बात करूंगा। जैसे मान लीजिएगा, कभी आपने एक चीज देखी है कि आप ना मिरर के सामने यदि खड़े होते हैं, आपके सामने एक मिरर है, ठीक है ना, मिरर है, ठीक है, और आप मिरर के सामने जब खड़े हैं, यानी आपके सामने क्या है, एक दर्पण है, ठीक है, घर पर है, आप डेली स्कूल में जाने से पहले, एक बार जाने से पहले अपने आप को मिरर में जरूर देखते हैं ना। तो मिरर में जब आप देखेंगे तो
तो आप कई बार क्या फील करेंगे, यदि आप अपने बालों बालों की कंघी कर रहे हैं कहां से, राइट हैंड से कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो मिरर में आपका राइट हैंड है ना, वो क्या नजर आ रहा है, लेफ्ट हैंड नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड नजर आ रहा है। तो ये एक मैंने ऐसा डेली आपकी लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, जहां से एग्जामिनर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है, यानी वो आपको ऑब्जर्व करना चाहता है, यानी आपके अंदर कितना पोटेंशियल है और कितनी एबिलिटी है चीजों को बारे में सोचने के लिए, वो केवल बस इतना ऑब्जर्व करना चाहता है। अब देखिएगा बच्चों, इसमें जो है ना सिलेबस जो है ना अलग अलग आता है, अलग अलग पार्ट्स में सिलेबस आपका, वो क्या है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग चैप्टर है और टोटल कुल मिलाकर 10 चैप्टर है मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर। उसमें सबसे पहला जो आपका चैप्टर आता है वो कौन सा है, वो है ओड मैन आउट, भिन्न आकृति छाटिए। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल करके भी बताऊंगा कि मेन चैप्टर में होता क्या है। तो कुल मिलाकर 10 चैप्टर वो मैं बता देता हूं। पहला है ओड मैन आउट, फिगर मैचिंग, पैटर्न कंप्लीशन आकृति पूरक, फिगर सीरीज आकृति श्रृंखला, एनालॉगी समानता, ज्योमेट्रिकल फिगर्स कंप्लीशन यानी ज्योमेतीय आकृतियों को पूरा करना, मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब, पंच होल्ड पैटर्न, स्पेस विजुअलाइजेशन आकृति का गठन और एम्बेडेड फिगर सन्निहित आकृतियां। तो कुल मिलाकर हमें ये 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं प्यारे बच्चों? 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं और हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? 4। तो कुल मिलाकर ये 10 चैप्टर हैं और ये 10 के 10 चैप्टर में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, और हर चैप्टर से एग्जाम के अंदर आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों? 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं तो कुल मिलाकर एक चैप्टर में 4 क्वेश्चन, तो 10 चैप्टर में कितने हो गए बच्चों? 10 × 4 = 40 क्वेश्चन। तो इसलिए एग्जाम के अंदर आपसे 40 क्वेश्चन, यानी हर चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन आएंगे। अब ये चैप्टर क्या है और इन चैप्टर से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले आपका चैप्टर आता है ओड मैन आउट, भिन्न आकृति छाटिए, यानी इस चैप्टर के अंदर एग्जाम के अंदर आपको ना कोई 4 फिगर दी जाएंगी। ठीक है ना, 4 फिगर जैसे यहां पर है, 4 फिगर आपको दी गई है, 4 आकृतियां आपको दिखाई दे रही हैं। अब एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है फाइंड द ओड वन आउट, विषम को चुने, यानी इन 4 आकृतियों में से, इन 4 फिगर में से कोई 3 फिगर ऐसी हैं जिनमें कोई ना कोई सिमिलरिटी है यानी समानता है, यानी इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां ऐसी हैं जिनमें कोई ना कोई समानता है और एक क्या है बाकी तीनों से डिफरेंट है यानी अलग है। तो यदि मैं यहां पर बात करता हूं बच्चों, यदि आप ए बी सी डी इन चारों फिगर को आप यदि ध्यान से देखते हैं ना, तो देखिएगा यहां पर, देखिएगा एक सिंपल सी बात, देखिएगा यदि मैं ये देखता हूं तो ये लगभग लगभग जो फिगर है ना इस जैसी नजर आ रही है, बस उसको क्या है थोड़ा सा घुमाकर रख दिया गया है, और ये वाली फिगर भी क्या है इस जैसी नजर आ रही है, यानी ये वाली फिगर थी, ये देखिएगा, ये तीनों बी सी डी इन तीनों फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों एक जैसी एक फिगर हैं, एक ही जैसी आकृतियां हैं, बस उनको अलग अलग तरीके से घुमाकर रखा गया है, पर जो ये वाली आकृति है ना ये इनसे क्या है अलग है। ठीक है, ये ऐसी नहीं है जैसी ये तीनों है, ये तीनों तो लगभग एक जैसी हैं, बस उनको क्या है घुमाकर रखा, रोटेट करके आपके सामने रखा गया है। जैसे पहले इसको है ये बच्चों, इस फिगर को देखिएगा, इसको मैं रोटेट कर दूंगा तो आपको ये नजर आएगा, फिर इसको रोटेट कर दूंगा तो आपको ये नजर आएगा, इसको घुमा दूंगा, पर ये क्या है इन तीनों से बिल्कुल क्या है अलग है। तो ये आते हैं ओड मैन आउट के क्वेश्चन। अगला आता है आपका क्या, फिगर मैचिंग, और फिगर मैचिंग तो इतना आसान है बच्चों, आपको ना मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। क्यों मजा आएगा? देखिएगा इसके अंदर सीधा सीधा एग्जामिनर पता क्या करता है कि उसने आपको एक फिगर दे दी है, जैसे ये दे दिया, ये फिगर दे दिया, फिर उसके बाद 4 अलग अलग फिगर आपको दे देगा और आपसे ना बस देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको बस केवल ये बताना है कि जो ये वाली फिगर है ना इन चारों में से एग्जैक्टली ऐसी कौन सी फिगर है, यानी कौन सी ऐसी फिगर है जो बिल्कुल इससे मैच करती है, यानी कौन सी इन चारों में से वो आकृति है जो बिल्कुल इस जैसी ही दिखाई दे रही है। तो पहली फिगर क्या इस जैसी दिखाई दे रही है? नहीं, यहां पर तो देखिए ना ये सारा रीजन क्या है शेडेड हुआ है, पीला पीला, ऐसा तो यहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, वही मैं बात करता हूं दूसरे में, तो दूसरे में ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल इसके साथ ऐसा ही नजर आ रहा है, पर ये वाला हिस्सा यहां पर क्या है शेडेड है, छायांकित है, यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी इस जैसी नहीं है। अब बची सी और डी की बात,
ये दोनों आकृतियां, दोनों फिगर एक जैसी नजर आ रही हैं, पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर इस फिगर में ना ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है, ठीक है, और यहां पर क्या कोई ऐसी लाइन है? नहीं है, ऐसी कोई लाइन यहां पर नजर नहीं आ रही। तो एग्जैक्टली जो ये वाली फिगर है ना, ये बिल्कुल इस जैसी है। तो ये तो बिल्कुल ना आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। आप कभी न्यूज़पेपर में देखेगा, न्यूज़पेपर की कटिंग में कई बार वो क्वेश्चन सोल्व करते हो, जैसे वहां पर ना बोने बने होते हैं, ठीक है ना, कार्टून्स बने होते हैं, ठीक है ना, फिगर में। तो आप क्या करते हो कि उनमें आपको ना पांच, ये पूछा जाता है कि इनमें ना पांच अंतर बताओ, ठीक है ना, पांच डिफरेंस दोनों फिगर के अंदर। तो ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, यानी फिगर आपके सामने है, आपको एग्जैक्ट दूसरी फिगर उस जैसी ही डिटो ढूंढनी है। एक आता है इस टाइप का। तीसरा जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो आते हैं पैटर्न कंप्लीशन के, यानी आकृति पूरक। यानी यहां पर एक फिगर आपको दी गई है, इस फिगर को आपको कंप्लीट करना है, इस आकृति को आपको पूरा करना है। देखिएगा यहां पर हुआ क्या है बच्चों, कि एक आकृति थी, एक फिगर थी, उस फिगर को चार पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? चार पार्ट में। यहां पर बता दिया क्या लिखा है, यहां बता दिया क्या लिखा है, यहां पर भी बता दिया क्या लिखा। अब आपको बताना है कि यहां पर क्या आएगा। तो जैसे यहां पर आपको बता दिया है, यहां भी बता दिया, यहां बता दिया, अब आपको यहां बताना है यहां क्या आएगा। फिर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, यानी इन चार में से एक ऐसा फिगर है जो यहां पर रखने से ये वाली फिगर पूरी हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करता हूं तो ये लाइन कुछ इस तरीके से लगी हुई है, यानी ये लाइन यहां पर भी जाकर कुछ इस तरीके से पूरी होगी ये वाली। तो यानी कॉर्नर पर यहां पर लाइन आनी चाहिए जो ए में नहीं है। यहां पर आपको कुछ ऐसी लाइन नजर आ रही है, यहां भी नजर नहीं आ रही, सी में नजर आ रही है और डी में भी नजर आ रही है ऐसी लाइन। अब दूसरी बात देखना, यहां पर जो आपका प्लस का साइन है वो एक है, यहां पर कितने हैं? दो। यहां पर कितने हैं? तीन। तो यहां पर कितने होंगे? तो सीक्वेंस तो ये कहती है एक दो तीन चार होंगे, पर ये भी तो हो सकता है बच्चों, क्या इस वाली रो के अंदर और इस वाली रो के अंदर, यानी इस पंक्ति में और इस पंक्ति में जो प्लस के साइन है वो बराबर हो। जैसे यहां पर है तीन और दो पांच, तो यहां पर भी होने चाहिए चार और एक पांच, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर चार दिए गए हैं, तो क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ये भी नहीं होगा। तो बच्चों इस तरीके से आकृतियों को पूरा करना होता है आपको। और देखिएगा बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, सारे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, बस मैं आज तो आपको केवल सिलेबस के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। फिर आता है आपका चौथा चैप्टर, ये क्या आपका फिगर सीरीज, यानी आकृति श्रृंखला। फिगर सीरीज में क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों समझिएगा, आपको ना फिगर्स की कुछ सीरीज दी जाती है। जैसे यहां पर ये पहली फिगर है, ये दूसरी है, यानी इस फिगर की अगली फिगर ये है और इस फिगर से अगला फिगर ये है, तो इससे अगला फिगर क्या आएगा सीरीज का, वो आपको बताना है। अब जैसे मैं यदि इसमें बात करता हूं, तो इसमें देखना स्क्वेयर कितने नजर आ रहे हैं, वर्ग, तो आप कहेंगे एक दो तीन चार पांच, पांच स्क्वेयर है और एक सर्कल है। अब यहां पर अगले में कितना हो गए? चार स्क्वेयर हो गए, सर्कल हो गए दो, यानी पहले स्क्वेयर कितने थे? पांच, और पहले में सर्कल कितना था? एक। तो अगली बार क्या हुआ? एक स्क्वेयर कम हो गया, यानी चार रह गए, और सर्कल एक बढ़ गया, यानी कितने हो गए? दो हो गए, ठीक है, चार दो। अब देखो स्क्वेयर कितने हैं? तीन, तो स्क्वेयर दोबारा फिर एक कम हो गया, और सर्कल क्या है, कितने हो चुके हैं? तीन, यानी सर्कल एक बढ़ गया है बच्चों। तो अगली बार क्या होगा? एक स्क्वेयर कम होगा, यानी अब स्क्वेयर कितने बचेंगे? दो बचेंगे, और सर्कल एक बढ़ जाएगा, यानी कितने होंगे? चार। तो यानी कुल मिलाकर दो स्क्वेयर और चार सर्कल होने चाहिए। तो यहां पर देखिएगा दो स्क्वेयर हैं, चार सर्कल भी हैं, पर ये दो लाइन एक्स्ट्रा हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा बच्चों। अब यहां देखना दो स्क्वेयर है और सर्कल कितने हैं? पांच, पर सर्कल कितने होने चाहिए? चार, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहां पर दो स्क्वेयर है, सर्कल कितने हैं? छह, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहां पर स्क्वेयर कितने हैं? दो, और सर्कल कितने हैं? चार, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, सारे कंसेप्ट बताऊंगा, चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, आज केवल सिलेबस बता रहा हूं बच्चों। उसके अलावा फिर अगला आता है एनालॉजी समानता, यानी क्या होता है, इसके अंदर आपको ना फिगर दी जाती है बच्चों। देखिएगा यहां पर एक फिगर ये दी गई है, फिर दूसरा फिगर ये दिया गया है,
कहा गया है कि जो रिलेशन इस फिगर का इस फिगर के साथ है वही रिलेशन इस फिगर का इनमें से कौन सी फिगर के साथ होगा। तो यहां पर सिंपल से देखिएगा, जो ये लेफ्ट वाला है ना इसको एज इट इज रख दिया गया है और जो ये वाला है ना इसको उल्टा कर दिया गया है। देखो ये वाला ना कुछ ऐसे था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे था। अब उल्टा कैसे कर दिया गया है ये देखिएगा, यानी ये वाला हिस्सा तो चला गया नीचे और ये वाला आ गया ऊपर इस तरीके से। तो यहां पर भी क्या करोगे, इसको तो ऐसे कैसे रख दो, तो ये ऐसा का ऐसा यहां नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। यहां पर ऐसा है, नहीं है। यहां पर ऐसा बिल्कुल है, यहां पर ऐसा बिल्कुल है। पर अब नीचे वाले को क्या करोगे, नीचे वाले को आप उल्टा कर देंगे, यानी ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा बच्चों। इस तरीके से उल्टा करने के बाद तो ये यहां पर ऐसे ही नजर आ रहा है पर यहां पर नजर नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा देखिएगा कंसेप्ट होंगे, अभी तो चीजें आपको सीखनी है, कंसेप्ट सीखने हैं, फिर उसके बाद आप क्या है क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। पर पहले मैं बस आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी दे रहा हूं। अगला है बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहां पर है ज्योमेट्रिकल फिगर, यानी यहां पर तो देखिएगा आप बचपन में देखिए पजल वगैरह सोल्व करते थे आपको ना, आंगनवाड़ी वगैरह में कहीं गए हो तो वहां पर आपको ना फिगर दी जाती थी, उसके अंदर आपको ना दूसरी कोई अलग फिगर उसके अंदर जोड़कर क्या है इमेज को पूरा करते थे। तो ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है कि ज्योमेट्रिकल फिगर है उसको पूरा करना है, वो ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर है, मैं बात करता हूं इसका कौन से वाला हिस्सा खाली पड़ा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो इसका ये वाला हिस्सा खाली है, यानी ये वाला, ये खाली पड़ा है, बाकी तो सब है। यानी आपको बिल्कुल ऐसी ऐसी फिगर चाहिए इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए। क्या ये ऐसी फिगर है? नहीं है। क्या ये ऐसी है? नहीं है। क्या ये ऐसी है? नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल इस जैसी ही फिगर है। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। बस आपको ना पूरी वीडियो देखनी है, जितनी भी मैं आने वाली वीडियोज करवाऊं सारी वीडियो आप देख लेंगे तो आप 50 में से 50 क्वेश्चन नंबर लेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर, इस बात की गारंटी में लेता हूं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है? मिरर इमेज। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, स्कूल जाने से पहले डेली आप मिरर के सामने जाते हो और अपने आप को देखते हो, और जब कंघे से अपने बाल बांधते हो तो आपने देखा होगा कि यदि आप राइट हैंड से कंघा चला रहे हैं तो आपको यह लगेगा मिरर के अंदर कि लेफ्ट हैंड चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है? लेफ्ट हैंड। यानी मिरर में हरदम उल्टा दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? उल्टा। और इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा, पर अभी समझिएगा कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहां पर आपको एक फिगर दी गई है तो आपसे पूछा गया कि यह मिरर में कैसी नजर आएगी। तो बच्चों बस आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, मैं आपको पूरा कंसेप्ट भी बताऊंगा पर यह आएगा कैसे नजर। तो जो मिरर के नजदीक होता है ना वही सबसे पहले नजर आता है। इन तीनों में से मिरर के नजदीक क्या है? लेटर पी है, तो पी को उल्टा करके लिख दीजिएगा, और फिर क्या है? वी, वी का उल्टा यही रहेगा, फिर क्या है? ए, और ए का भी उल्टा यही रहेगा। बाकी कंसेप्ट जो है मैं क्लास के अंदर कंप्लीटली बताऊंगा। तो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन, नहीं सॉरी, ऑप्शन बी आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आ गया, फिर आ गया आपका पेपर कटिंग का क्वेश्चन। ठीक है, अब पेपर कटिंग के क्वेश्चन क्या होता है, बचपन में आपने भी, अभी बचपन में आप कई बार एक गेम खेलते होगे, एक कागज लेते होगे, उस कागज को फिर फोल्ड करते हो, फिर उस कागज को दोबारा फिर फोल्ड करते हो, फिर कहीं से कागज को काट लेते हो, और फिर जब उसको खोल के देखते हो ना तो कुछ अलग ही इमेज बनती है। ऐसा करते हैं ना आप लोग, वही से एग्जामिनर क्या है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देता है वो देखिएगा। ये आता है पेपर कटिंग पर, यानी आपके पास ये एक पूरा पेज था, ठीक है, ये ऐसे पूरा पेज था, फिर उसने क्या किया, जो ये वाला हिस्सा ना ये इस वाले हिस्से के ऊपर फोल्ड कर दिया, ये ऐसे छिपा दिया, फिर जो ये वाला पार्ट है ये इसके ऊपर फोल्ड कर दिया, और फिर अंदर की तरफ यहां पर क्या एक ट्रायंगलर कट मार दिया, यानी अंदर की तरफ से है काट दिया। अब क्वेश्चन है कि इस पेज को जब खोलेंगे तो आपको कैसी आकृति नजर आएगी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यानी कुल मिलाकर मैं बात करता हूं तो पेज लगभग पहले कुछ ऐसा था, ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा इसके ऊपर गया, फिर ये वाला हिस्सा इसके ऊपर गया, फिर यहां से क्या है कटिंग की गई है। क्लियर?
तो बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रेड से मैं समझाता हूं आपको, क्लियर होगा चीजें। यानी जो कटिंग है ना वो यहां पर की गई है, तो जब ये पेज जो है ये यहां पर फोल्ड हुआ है, इसको जब अनफोल्ड करेंगे यानी जिस तरफ पेज मुड़ता है और दोबारा उसको खोलते हैं तो वो वापस उसी तरफ खुलता है जहां से मोड़ा गया था। तो यानी अनफोल्ड कहां होगा, यहां पर। और ये जो ये किसकी तरफ है, इसकी तरफ, तो यानी ये ट्रायंगल कुछ ऐसी बन जाएगी। फिर ये पूरा खुलेगा इस तरफ, और ये जब इस तरफ खुलेगा तो ये आपको ना कुछ ऐसी आकृति हो जाएगी। तो यानी आपका आंसर क्या होगा, जो आपका ये नजर आ रहा है रेड में, और रेड में कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, सी में। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी, ठीक है ना। ये सारी चीजें होंगी कैसे, ये सब बताऊंगा बच्चों, अभी तो केवल एग्जाम्पल बता रहा हूं। अगला आता है स्पेस विजुअलाइजेशन, आकृति गठन। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ना आपको कुछ फिगर दी गई है, ये चार अलग अलग चीजें दी गई हैं, और इन चारों से मिलकर जो बनेगा वो आपको बताना है। तो आप भी तो कई बार वो क्यूब लेते हो ऐसे ऐसे मार्केट से खिलौने, आपके पिताजी, आपकी माता या आपके पेरेंट्स, स्कूल में या आंगनवाड़ी में आप कभी गए हो तो वहां पर भी आपको ऐसे खिलौने देखने को मिले होंगे कि अलग अलग पड़े रहते हैं, उनको जोड़ जोड़ कर आप क्या है कुछ नई चीज बनाते हो। तो ये भी तो उसमें भी तो कुछ ऐसा ही है, बस आपको ये बताना है कि इन चारों को जोड़कर इनमें से कौन सा स्क्वेयर बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए पता आप ये भी कर सकते हैं कि ये कितनी चीजें हैं, चार, कितनी चीजें हैं, चार। तो पहला ट्रायंगल क्या देखिएगा, इसके अंदर नजर आ रहा है, तो इसके अंदर एक ट्रायंगल तो नजर आ रहा है, पर ये दूसरे वाला हिस्सा नजर नहीं आ रहा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब मैं इसकी बात करता हूं तो ये वाला ट्रायंगल भी नजर आ रहा है, दूसरे वाला ये हिस्सा भी नजर आ रहा है, तीसरे वाला ये ट्रायंगल भी, और चौथे वाला ये स्क्वायर भी है। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा यही, इन चारों से मिलकर ये वाली फिगर बनेगी। अगला है, लास्ट है बच्चों, एम्बेडेड फिगर। अब एम्बेडेड फिगर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर क्या है बच्चों कि आपको ना कुल मिलाकर क्या है, एक फिगर दी गई है, आपको बतानी है कि ये फिगर इन चारों में से कहां पर छिपी हुई है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये वाली फिगर ना आपको ऐसे नजर आ जाएगी, आ गई ना नजर, ठीक है ना। तो ये वाला जो फिगर है ना वो यहां पर छिपा हुआ था, कहां छिपा हुआ था, ऑप्शन डी के अंदर। तो बच्चों कुल मिलाकर मैंने आपको क्या बताया है कि आपके कुल मिलाकर कितने चैप्टर आएंगे, 10 चैप्टर आएंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, कितने आएंगे, 10 चैप्टर आएंगे। और उन 10 चैप्टर में से हर चैप्टर के अंदर से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले मैं आपका ये पोर्शन कंप्लीट करवाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी यहां से मैक्सिमम स्कोर जरूर कर पाओगे। पर अब आपके मन में एक और ख्याल आएगा, ध्यान दीजिएगा, हमारी स्ट्रेटेजी होगी क्या बच्चों, मैं हर चैप्टर की वीडियो आपको देता रहूंगा, जैसे हम स्टार्ट करूंगा मिरर इमेज से, हमारी जो अगली वीडियो होगी वो किसकी होगी, मिरर इमेज, मैं आपको मिरर इमेज के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यदि एक वीडियो में खत्म नहीं होता है चैप्टर तो हम उसको दो वीडियो में खत्म करेंगे, पर केवल वीडियो देखने से काम थोड़ा ही चलेगा बच्चों, फिर आपको उसके लिए तैयारी भी करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। अब सवाल यही तो आता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करेंगे, तो क्वेश्चन की बच्चों आप प्रैक्टिस कहां से करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। और वो सॉल्यूशन है क्या बच्चों, कि आपको ना हमारी रेडियन बुक कंपनी की ना बुक खरीदनी है, और ये बुक कौन कौन सी है वो भी मैं बता देता हूं। एक तो पूरी स्टडी गाइड है, जिसके अंदर तीनों जो आपके सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, और ये आपकी बुक जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर है। ये वाली बुक का फोटो दे लीजिएगा, ये क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, और ये वाली बुक हमारी क्या है, हिंदी भाषा में है। तो दोनों ही लैंग्वेज में बुक अवेलेबल है। यदि आपको किताब जो है हिंदी में खरीदनी है तो हिंदी में खरीदिए, और आपको यदि बुक इंग्लिश में परचेज करनी है तो आप इंग्लिश में परचेज कीजिएगा। ये हमारी कंप्लीट स्टडी गाइड है, और इस गाइड की मैं खास बात भी बता देता हूं। इस गाइड की हमारी खास बात क्या है, आपको यहां पर हर चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। अब वही बात है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही तो ज्यादा आपके नंबर आएंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए ए टू जेड क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, और क्वेश्चंस को करना कैसे है उसके बारे में भी बताया है। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो उस क्वेश्चन का आपको साथ के साथ क्या भी मिलेगा बच्चों, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। उसका क्या मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, क्लियर। फिर उसके अलावा मैं बात करता हूं स्टडी गाइड के अलावा, यहां से तो आप पूरी जानकारी से क्या है अपनी तैयारी कर सकते हैं, और ये पूरी किताब पढ़कर आप क्या है सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं।
अब उसके बाद यदि आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हमारे क्या है प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे प्रैक्टिस सेट, ये आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये है हमारा हिंदी भाषा में। तो आप जिसको जौन सी लैंग्वेज में बुक लेनी है उस लैंग्वेज से बुक ले सकता है। और ये बुक मिलेंगी कहाँ बच्चों, तो बुक को भी देख लीजिएगा, बुक हमारी जो अवेलेबल है वो फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, साथ के साथ अमेजन पे भी अवेलेबल है। और उसके अलावा क्या है मैं आपको ये भी बता दूं कि आप हमारी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये किताब खरीद सकते हैं, ठीक है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में सारा डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी बुक्स को परचेज करने का लिंक दिया हुआ है। और उसके अलावा पिछले कुछ वर्षों के यदि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करना चाहते हो कि आज से पिछले 5-6 साल के एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बच्चों 2015 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के हमारे क्या है सोल्ड पेपर्स का ये एक सेट है जिससे आप क्या है तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको ये देखना है कि पिछले 7-8 वर्षों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप ये दो बुक से आप वो चीजें देख सकते हैं। एक बुक है इंग्लिश के अंदर वही इंग्लिश लैंग्वेज में और दूसरी है हिंदी में। तो जहां से आपको प्रैक्टिस करनी है आप वहां से प्रैक्टिस करने हैं। पर मैं आपको यदि गाइड करता हूं तो आपको करना क्या है बच्चों देखिएगा, आपको क्या करना है सबसे पहले बस एक ही बात याद रखनी है, क्या सबसे पहले जितनी भी मैं चैप्टर वाइज वीडियो करवाऊं वो चैप्टर वाइज आप क्या है पूरी वीडियो देखेंगे। सबसे पहले तो चैप्टर वाइज पूरी क्या देखेंगे वीडियो, वीडियो देखने के बाद फिर आपको क्या करना है यही बुक लेनी है स्टडी गाइड, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश में जिस भाषा में जिसको चाहे, ठीक है। तो जो चैप्टर मैंने कंप्लीट किया और स्टडी गाइड के अंदर उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस की आपको साथ के साथ क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद फिर यदि मान लीजिएगा चैप्टर वाइज आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आप इसी तरीके से करते हैं, उसके बाद यदि आपको लगता है कि हाँ कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी थी तो हमारे दूसरे प्रैक्टिस सेट आप खरीद सकते हैं, फिर वहां से क्या है प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बच्चों सबसे पहले तो पता है क्या बात है एक अच्छा कंटेंट होना जरूरी है और रेडियन की कंपनी का एक ऐसा कंटेंट है जहां से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो बस आप वीडियोस देखते रहें या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी सारी वीडियो और साथ के साथ आप बुक परचेज कीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैंने आपको सिलेबस की पूरी जानकारी दे दी है और एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बता दिया है और अगली जो हमारी क्लास होगी बच्चों उसके अंदर मैं आपका सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। और हम स्टार्ट कहां से करेंगे मिरर इमेज से। तो चलिएगा स्टूडेंट्स मिलेंगे हम अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।